स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू दिस वीडियो डॉक्टर अनिता कोठारी। बच्चों अपन लोगों ने थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने लिए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। उसमें हमने फैक्टर्स रिलेटेड विद नेचर ऑफ मेटल कर लिया था। उसके बाद शुरू किया था फैक्टर्स रिलेटेड विद द नेचर ऑफ लिगेंड, और उसमें भी अपने तीन फैक्टर कर लिए थे। नंबर वन चार्ज एंड साइज ऑफ द लिगेंड, नंबर टू इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, नंबर थ्री इज द चिलेट इफेक्ट, एंड नंबर फोर्थ फैक्टर हम यहां से शुरू करेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ चिलेट रिंग, यानी कि चिलेट रिंग की संख्या। ओके अगर इफ यू कंपेयर सम पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, फॉर एग्जाम्पल इथिलीन डायमीन, है ना, आपको पता है इथिलीन डायमीन क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2। ओके और इसके बाद अगर हम ले सपोज ये दैट इज डाइथिलीन टेट्रा डाइथिलीन ट्राइमीन, दैट इज NH CH2 CH2 NH2 NH2, है ना, क्या हो गया ये डाइइथिलीन ट्राइअमीन। ओके देन अगर मैं ले लू आपको ट्राइइन, यानी इसमें तीन इथिलीन ग्रुप हो गए NH देन CH2 CH2 NH, ओके राइट देन CH2 CH2 NH2, और यहां हो गया आपका NH2 ग्रुप। ओके तो यहां पे देख लीजिए ट्राई इथिलीन टेट्रामीन, क्या नाम हो गया इसका, ट्राई इथिलीन टेट्रामीन 1 2 3 4। ओके ये हो गया आपका डाई इथिलीन ट्राइमीन, है ना, डाई इथिलीन ग्रुप है और ट्राइमीन ग्रुप है, एंड दिस इज इथिलीन डायमीन। ओके तो आप देखेंगे कि जब ये जो है ये बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ये जब मेटल के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, और आप ये देखोगे कि एक सिंगल रिंग बनेगी इस केस में, क्योंकि एक बाइडेंटेड लिगेंड है। ओके लेकिन यहां पर आप देखो कि यहां पर एक ही नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा, दूसरे नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा, तीसरी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगी, यानी इस तरह से ये तीनों मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आप देखो ध्यान से, एक रिंग ये बनेगी, है ना, और दूसरी रिंग ये बनेगी, यानी इसमें जो रिंग की संख्या है वो 1 है, इसमें रिंग की संख्या कितनी है, 2 है। इसी तरह से यहां पर देखो, जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो एक रिंग ये बनेगी, दूसरी रिंग ये बनेगी, और तीसरी रिंग ये बनेगी, यानी इसमें जो रिंग की संख्या है, वलय की संख्या, वो क्या है, 3 है। तो कुल मिलाकर कि जितना ज्यादा हम जो चिलेट लिगेंड्स हैं उनमें रिंग की संख्या अगर बढ़ती जाएगी, तो जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज होगी। गॉट इट, सो दिस इज द फोर्थ फैक्टर, दैट इज द नंबर ऑफ चिलेट रिंग, जो आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड है जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में, तो वो कितनी रिंग्स बना रहा है। अगर वो एक रिंग बना रहा है तो लेस स्टेबल, दो रिंग बना रहा है तो ज्यादा स्टेबल है, तीन बना रहा है तो और भी ज्यादा स्टेबल है। ओके सो दिस इज द फोर्थ फैक्टर विच इज रिलेटेड विद द नेचर ऑफ लिगेंड। ओके नाउ वी कम टू द फिफ्थ फैक्टर विच इज रिलेटेड विद लिगेंड, इज द साइज ऑफ चिलेट रिंग, साइज ऑफ चिलेट रिंग, यानी कि जो किलेट वलय है उसका आकार। ओके जनरली जो चिलेट रिंग होती है वो मेटल के साथ एक पूरी रिंग बनाती है, लिगेंड मेटल के साथ में बिल्कुल क्लोज्ड। अगर वो 3 मेंबर्ड रिंग होती है, सपोज ये है, तो दिस इज अनस्टेबल, है ना, सच टाइप ऑफ रिंग इज अनस्टेबल बिकॉज इट इज 3 मेंबर्ड रिंग। ओके क्योंकि ये 3 सदस्य ही रिंग है ना, देखो 1 2 3 राइट, तो जो 3 मेंबर रिंग होती है वो जनरली अनस्टेबल होती है और जनरली नहीं पाई जाती, और जो 4 मेंबर रिंग होती है वो कुछ केसेस में पाई जाती है बट इट इज नॉट मच स्टेबल, है ना, और वो कुछ केसेस क्या है, जैसे मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स के साथ में जो रिंग बनाता है वो क्या होती है, 4 मेंबर रिंग है, क्या है ये, 4 मेंबर्ड रिंग, 4 सदस्य वाले है, है ना। इसी तरह से ये नाइट्रेट के साथ में भी इसी तरह की रिंग बनाता है, मेटल N डबल बॉन्ड O, इसी तरह से सल्फेट के साथ भी मेटल इसी तरह की रिंग बनाती है, इस तरह की ये मेटल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर सल्फर, है ना, तो ये सल्फेट वगैरह के साथ, नाइट्रेट के साथ, कार्बोनेट के साथ 4 मेंबर रिंग बनती है, है ना, बट इट इज नॉट सो स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। गॉट इट, नाउ वी कम टू द 5 मेंबर रिंग, तो 5 मेंबर रिंग का हमारे पास एग्जांपल है, जैसे इथिलीन डायमीन, है ना, इथिलीन डायमीन जो बनाता है
आपके मेटल के साथ में रिंग, वो एक 5 मेंबर रिंग है NH2, इस तरह से H इधर लिख देती हूँ मैं ताकि कोऑर्डिनेशन बना दिखे, NH2 देन CH2 एंड CH2, ओके। तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि इट इज अ 5 मेंबर रिंग, 1, 2, 3, 4 एंड 5 मेंबर रिंग, राइट। तो इस तरह से ये एक रिंग जो है वो स्टेबल रिंग बनाता है 5 मेंबर। लेकिन जनरली जो 5 मेंबर रिंग होती है उसमें आप ये देखिए कि अगर सारे के सारे सैचुरेट बॉन्ड हो, कैसे हो, सारे के सारे जो बॉन्ड अगर सैचुरेट होते हैं तो वो रिंग जनरली स्टेबल होती है ना। तो इथिलीन डायमीन जो रिंग है वो एक सैचुरेट रिंग है एंड इट इज अ स्टेबल रिंग, राइट। लेकिन अगर दिस इज 5 मेंबर रिंग, ओके, 5 मेंबर्ड रिंग विद मेटल, ओके। नाउ वी कम टू द 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग जनरली तब स्टेबल होती है जहां पर कि अनसेचुरेशन हो, क्या हो, अनसेचुरेशन हो, यानी असंतृप्तता हो, यानी डबल बॉन्ड पाया जाता हो, या डिलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी विस्थानीकृत पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओके। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं द रिंग फॉर्म्ड बाय द एसिटाइल एसिटोनेट, है ना। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेटल के साथ एसिटाइल एसिटोन अपनी रिंग बनाएगा वो एक 6 मेंबर रिंग है, है ना। ये देखिएगा CH3, है ना। अगर आप चाहो तो इसको डिलोकलाइज वे में लिख देते हैं अपन, ऑक्सीजन एंड दिस वन, है ना। तो इस तरह से आप ये देखिए कि जो 6 मेंबर रिंग है ये डिलोकलाइज पाई बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ओके, यहां पर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, है ना। आप चाहो तो इसके दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म्स में लिख देती हूँ, है ना। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग फॉर्म में आप देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है, ओके, और जो सेकेंड फॉर्म होगी उसमें डबल बॉन्ड आप ही देखेंगे नीचे की तरफ आ जाएगा, गॉट इट। यहां पर ये डबल बॉन्ड है और दूसरे फॉर्म में डबल बॉन्ड इस तरह से हो जाएगा। तो आप इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, MOC, ये ओवरलैप ना करें, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ पेन का। सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन इज MOC CH3 CH, ओके। देन यहां पर अच्छा ये डबल बॉन्ड लगाना था, ये डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ओके, CH, है ना। फिर इधर ये आप आ जाइए, ये हो गया आपका O डबल बॉन्ड C, ओके, CH3, और ये आ गया आपका इस यहां पर डबल बॉन्ड, गॉट इट। सो दीज आर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एसिटाइल एसिटोनेट एसिटोन रिंग, मेटल एसिटाइल एसिटोन कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो आप यहां देखेंगे कि जब 6-5 मेंबर रिंग है तो वो सैचुरेटेड के साथ में, जिसमें कि संतृप्त हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, वो स्टेबल बनाती है, और 6 मेंबर रिंग होती है वो डिलोकलाइज्ड हो, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके साथ स्टेबल बनाती है। इसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, MOOCC, राइट, CH, और इस तरह से डिलोकलाइज पाई बॉन्ड की रिंग है ये, आप देखिएगा, क्योंकि मैंने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो इसका मेन स्ट्रक्चर ये इस तरह से हो गया, गॉट इट। तो आप यहां देखेंगे कि ये 6 मेंबर रिंग डिलोकलाइज पाई बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है, और ये देखा गया है कि जनरली जो एसिटाइल एसिटोनेट कॉम्प्लेक्स है इट इज मच स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस इथिलीन डायमीन कॉम्प्लेक्स, ओके, इट इज मोर स्टेबल। विच वन इज मोर स्टेबल? एसिटाइल एसिटोनेट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द दिस वन 5 मेंबर इथिलीन डाई अमीन कॉम्प्लेक्स, ओके। यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम जो रिंग में मेंबर्स की अगर हम संख्या को बढ़ा देते हैं तो जनरली देखा है कि स्टेबिलिटी में कमी आ जाती है, गॉट इट। तो जनरली जो 7 मेंबर रिंग है 8 मेंबर्स रिंग से दे आर नॉट मच स्टेबल, वो बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होती है, गॉट इट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फैक्टर। हमारे अब तक को 5 फैक्टर हो चुके हैं। नंबर 1 हम क्या पढ़ रहे थे, फिर से मैं रिवाइज कर लूं, बीच में हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स रिलेटेड विद लिगेंड्स। लिगेंड्स में हमने लिया था चार्ज एंड साइज ऑफ लिगेंड, नंबर 2 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, नंबर 3 हमने लिया था चिलेट इफेक्ट, नंबर 4 हमने लिया था नंबर ऑफ रिंग्स इन चिलेट रिंग चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड में वले की संख्या। देन हमने नेक्स्ट फैक्टर लिया था, दैट इज द 5th फैक्टर इज द साइज ऑफ चिलेट रिंग, कि चिलेट जो रिंग है वो कितने मेंबर है, गॉट इट। नाउ वी टेक द 6th फैक्टर विच इज रिलेटेड विद लिगेंड, इज द स्टेरिक इफेक्ट।
स्टेरिक इफेक्ट यानी कि त्रिविम प्रभाव। आप ये देखिएगा कि जनरली जो लिगेंड्स होते हैं ना, लिगेंड्स में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें जो लिगेंड है मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेट करता है, उसमें जो डोनर एटम होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये डोनर एटम है, ये क्या है, डोनर एटम हुआ है ना, और ये क्या हो गई, आपकी मेटल हो गई। तो अगर डोनर एटम के पास में अगर हम कोई दूसरा ग्रुप लगा दें या उसके एडजेसेंट में जो पास में जो है एटम उस पे कोई दूसरा ग्रुप हम लगा दें तो क्या होगा, उसके चारों तरफ बल्किनेस बढ़ जाएगी, यानी उसके चारों तरफ त्रिविम बाधा बढ़ जाएगी। और अगर त्रिविम बाधा बढ़ेगी तो व्हाट विल हैपन कि वो जो लिगेंड है वो मेटल के चारों तरफ अच्छे से अरेंज नहीं हो पाएंगे और हम क्या कहेंगे, दे विल रिपेल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इस तरह से बना हुआ संकुल क्या होगा, अस्थाई होगा। गॉट इट। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि अगर सपोज मैं ले लूं, एक तो ले लूं मैं इथिलीन डायमीन, क्या लिया, इथिलीन डायमीन, अभी आपको बताया था इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड विच फॉर्म्स स्टेबल फाइव मेंबर रिंग। गॉट इट। अब देखना ध्यान से कि इसमें डोनर आइटम कौन है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ही तो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, राइट। नाउ आई रिप्लेस दीज टोटल फोर हाइड्रोजन विद मिथाइल ग्रुप, क्या बना मेरा, देखिएगा दिस इज द टेट्रा मिथाइल इथिलीन डायमीन, ध्यान से सुनिएगा नाम क्या बोला मैंने, दिस इज द टेट्रा मिथाइल इथिलीन डायमीन, है ना, इथिलीन डायमीन में जो चार हाइड्रोजन है उसको मैंने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। अब आप देखो कि क्योंकि ये नाइट्रोजन है ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, है ना, और इसके ऊपर क्या है, बल्कि ग्रुप मैंने लगा दिए, पहले हाइड्रोजन थी छोटी थी, अगर मैं बल्कि ग्रुप लगा दूंगी तो व्हाट विल हैपन, जो लिगेंड होंगे वो पास पास आएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। गॉट इट। अगर हम त्रिविम बाधा बढ़ा देते हैं तो लिगेंड्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और बना हुआ संकुल स्थायी नहीं होता। इसका मैं एक बहुत ही और अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ, एंड दैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, देखिएगा एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है ना, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ऑक्सीजन हो गई उसकी, ये इसकी नाइट्रोजन है, ये निकिल के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो मैंने आपको बताया है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स विद निकिल प्लस टू मैटर, इस तरह से दो लिगेंड है, चार कोऑर्डिनेशन पोजीशन पे इसको एप्लेनर कंपाउंड है, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑफ निकिल इज विद एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, है ना, एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ओके, कॉम्प्लेक्स ऑफ निकिल, गॉट इट। अब अगर मैं इसकी जो ये वाली पोजीशन है उस पर अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं, दैट इज अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाऊं टू मिथाइल एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन के साथ, तो आप देखो ध्यान से सोच के मुझे बताइएगा कि विच वन इज मोर स्टेबल, किसके साथ बना रही हूं, देखना आप, बिल्कुल वही क्विनोलिन रिंग मैंने बना ली, देखो बच्चों ये क्विनोलिन रिंग है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये निकल के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और निकल प्लस टू के साथ में जिसका कॉम्प्लेक्स है वो बन रहा है ना, चार कोऑर्डिनेशन पोजिशन पे है, बट द डिफरेंस इज कि यहां पर हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, दैट इज दिस इज टू मिथाइल एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, है ना, ये दो मिथाइल एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। अब आप बताइएगा व्हाट हैपेंस कि ये जो डोनर एटम है नाइट्रोजन इसके बिल्कुल पास में मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, गॉट इट। तो ये मिथाइल ग्रुप क्या हुआ, बल्कि ग्रुप है ना, तो बल्कि ग्रुप की वजह से क्या होगा, पास वाले जो दो लिगेंड है, आप देखो ये दो लिगेंड है ना, एट हाइड्रोक्सी टू मिथाइल एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, दो लिगेंड्स होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये लेस स्टेबल होगा, दैट इज इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इट इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर हम कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें डोनर एटम पर या डोनर एटम के बिल्कुल एडजस्टेंट पे, यहाँ पे देखो हमने किस पे लगाया, ये जो लगाया मैंने डोनर एटम पे लगाया मिथाइल ग्रुप, है ना, और यहाँ पे लगाया डोनर एटम के बिल्कुल पास वाले ग्रुप पे, है ना, उसपे अगर हम कोई बल्कि ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसी रिपल्शन की वजह से हम क्या देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। गॉट इट। सो दिस इज द सिक्स्थ फैक्टर विच इज रिलेटेड विद लिगेंड इज द स्टेरिक इफेक्ट। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फैक्टर एंड दैट इज
Now we come to the next factor, that is the template effect. Okay, template effect क्या होता है? या पहले हम वो ले लेते हैं बच्चों, that is the forced configuration, यानी कि बलकृत विन्यास ले लेते हैं. Okay, so next factor is the forced configuration. Seventh factor is the forced configuration, यानी कि बलकृत विन्यास. देखो नाम से पता पड़ रहा है कि फोर्स करके जो हम करते हैं, दैट इज हम जबरदस्ती कर रहे हैं, है ना. तो अगर हम इस चीज को देखें तो जो बेरिलियम मेटल है और जो जिंक मेटल है ना, जनरली वो क्या करती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाती है. क्या बनाती है? चतुष्फलकीय संकुल बनाती है विद मोनो डेंटेड लिगेंड्स, एक दंतुक लिगेंडो के साथ, है ना. ये बात आपको समझ में है कि जनरली ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाती है विद मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ. लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जैसे थैलोसाइनिन. क्या होता है? थैलोसाइनिन. ओके, इसके अलावा पॉर्फाइरिन, है ना. ये जो लिगेंड्स होते हैं ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, या ये कह दो कि ये मेटल के साथ चार बॉन्ड बनाते हैं इन स्क्वायर प्लेनर मैनर, है ना, वर्गीय समतलीय रूप से चार बंद बना लेते हैं. तो ये जो लिगेंड्स होते हैं वो इन मेटल्स के ऊपर फोर्स डालते हैं कि वो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनाए इनके साथ में. गॉट इट? तो आप समझ सकते हो कि जनरली उनकी टेंडेंसी टेट्राहेड्रल बनाने की है, और अगर आप उसको स्क्वायर प्लेनर बनाने पे मजबूर कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन कि इस तरह के जो कंपाउंड होंगे, जो स्क्वायर प्लेनर होंगे, वो जनरली क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू दिस वन. ओके, जो वो टेट्राहेड्रल बना रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ, उसकी तुलना में ये लेस स्टेबल होंगे. आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से अपनी बात कर रही हूं कि बेरिलियम और जो जिंक है वो जनरली मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ चतुष्फल की संकुल बनाते हैं, लेकिन थैलोसाइनिन, पॉर्फाइरिन ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनाते हैं इन मेटल्स के साथ में. राइट, यानी स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड इज नॉट कंफर्टेबल फॉर दीज मेटल्स, तो उनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं. तो कोई चीज अगर फोर्सली की जाएगी दैट विल बी लेस स्टेबल. तो इनका ये कंपाउंड इनके साथ कम स्थायी है, जबकि ये वाले जो कंपाउंड होते हैं स्थायी है. अगर हम इसकी उल्टी बात करें तो कुछ मेटल्स होती है, जैसे कौन सी मेटल हमारे पास में, जैसे कि कॉपर प्लस टू है ना. कॉपर प्लस टू क्या करती है, आपको पता है, ये आराम से स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बना लेती है. तो ये थैलोसाइनिन के साथ में आराम से स्टेबल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाती है. गॉट इट? ये थैलोसाइनिन कॉपर प्लस टू के साथ स्टेबल स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बना सकती है. क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस टू जनरल स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बना लेता है. गॉट इट? सो हम लोगों ने सात फैक्टर आज कंप्लीट करें. नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं फैक्टर्स को आगे कंटिन्यू करूंगी. थैंक यू सो मच.